हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हो मेरा चैनल 360 सिक्योरिटीज। गाइस, आज मैं आपको वापस से एक रियल लाइफ साइट में लेके आया हूँ, अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ये बेसिकली एक ओपन, जो आप कह सकते हैं सेमी ओपन ब्रिक फैक्ट्री है। यहाँ पे जो ईटा, जो हम लोग कहते हैं ब्रिक्स, उसका फंक्शनिंग मतलब उसको बनाया जाता है छोटे स्केल पे। तो यहाँ पे मैंने प्योर हिकविजन का आईपी कैमरा का जो सेटअप है वो दिया है। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी आया है। इनका नंबर प्लेट सब देखने के लिए मैंने यहाँ पे 4MP का 50 मीटर का दो कैमरा दिया है। बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। सबसे अच्छी बात है मैंने यहाँ पे इनको P2P भी दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, वायरलेस भी मैंने यहाँ पे इनका किया है, कनेक्टिविटी करवाया है। ऐसा क्यों करवाया है, रीज़न क्या था, आपको मैं साइट में दिखाऊंगा। इसका एडवांटेज क्या है वो बताऊंगा। IPCOM का मैंने जो डिवाइस है वो यूज़ किया है। सब कुछ आपको इन डेप्थ दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंस क्या होता है। हमेशा मिक्स कीजिए सोल्यूशन को, क्लाइंट का बजट रिक्वायरमेंट मैं हर वीडियो में कहता हूँ वो सब सोचा कीजिए। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल के बाद गाइस देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनका ऑफिस है। यहाँ पे बेसिकली अपना जो मेन NVR वो बैठा हुआ है। देखिए, हमने यहाँ पे सिक्योर आई ब्रांड का 4U का एक रैक दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इनका टोटल 7 कैमरा जो ऑफिस के आसपास में है, यानी कि दो गेट, एक गेट के तरफ, एक गेट से अंदर की तरफ, एक पीछे साइड के लिए, दो आगे के लिए, एक ऑफिस के अंदर और एक ऑफिस से उस तरफ के लिए। टोटल यहाँ पे हमने 7 कैमरा जो है, जो एक नॉर्मल IP कैमरा कनेक्शन होता है, यानी कि Cat6 केबल कैमरा के तरफ जाता है, वहाँ से POE में जाता है, POE से स्विच में जाता है, स्विच से अपना NVR में जाता है, यानी कि आपका एक वायर्ड कनेक्शन के हिसाब से इस एरिया में मैंने वो काम किया है। तो आप देख सकते हैं एक 4U का रैक दिया है। रैक का एडवांटेज मैं पहले ही बता चुका हूं, नीट एंड क्लीन काम होता है, कोई छेड़खानी नहीं कर पाता, चूहा वगैरह जो है वो कम चांस रहता है इसको दिक्कत देने का। और ओवरऑल जो लॉन्जिविटी है कोई भी साइट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप जब एक प्रॉपर रैक सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पे जो मैंने NVR यूज़ किया, कैमरे यूज़ सबको दिखाऊंगा, लेकिन देख सकते हैं कि ओवरऑल जो लुक्स आया है सेटअप का, बहुत क्लीन एंड एलिगेंट लुक आया है। एंड अब मैं अपने काम करता हूँ। एक पहले तो वो देख लीजिए, यहाँ पे हमने हिकविजन का नॉर्मल जो 2MP का डोम कैमरा होता है वो दिया है। इसका मॉडल मैं सब दिखाऊंगा आपको। देखिए, हमेशा केसिंग का यूज़ कीजिए, नीट काम कीजिए, ये बात का जरूर ध्यान रखेगा। और गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको हमने स्विच कौन सा यूज़ किया। गाइस देखिए, हिकविजन का 8-पोर्ट का POE स्विच यूज़ किया है ऑफिस ये रैक के लिए। मॉडल मैं बता देता हूँ आपको, DS3E0109P-E/M, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 4-पोर्ट का स्विच हिकविजन का 2 पीस यूज़ किया है, लेकिन आप बोलेंगे दोनों तो सेम लग रहे हैं, सेम नहीं है। एक है गीगाबिट, एक है नॉन गीगाबिट। गीगाबिट क्यों दिया हमने, क्योंकि लास्ट में हम जहाँ पे 4MP का कैमरा मारेंगे, डिस्टेंस भी ज़्यादा हो रहा है, बैंडविड्थ भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पे इसको 4MP का सॉरी 4 पोर्ट का गीगा POE दे रहा हूँ। ये वाला जो एरिया है ये उतना दूर नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, इसके लिए मैंने नॉर्मल गीगा यूज़ किया। तो भाई, इसका जो मॉडल है गीगा का, ये है DS3E0505P-P/M, नॉन गीगा का 3E0105P-E/M, यानी कि केवल 1 अल्फाबेट का डिफरेंस है। इसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें 5 लिखा हुआ है। आपको समझ में आता है गाइस कि किसी ट्रस्टेड वेंडर से काम करना मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में गीगा दे दो या दोनों में नॉन गीगा दे दो, समझना पड़ता है क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ही आपको अपना जो प्रोडक्ट का लिस्ट है वैसे रेडी करना होता है। तो साइट विजिट के बाद मैंने पहले एस्टिमेट दिया, पहले ओके किया, तभी सबसे मैंने काम स्टार्ट किया। आपको ये चीज़ समझना पड़ता है। और दूसरा बात क्या है, आपको कोई भी जो इस लाइन में आप कह सकते हैं बेवकूफ बना सकते हैं। कैसे बेवकूफ बना सकते हैं, केवल एक अल्फाबेट का डिफरेंस है, एक वर्ड का डिफरेंस है, तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि कस्टमर आपको बेवकूफ ना बना दे, ठीक है, मतलब वेंडर बेवकूफ ना बना दे। चलिए कैमरा देखते हैं। देखिए, ये है अपना 4MP का 50 मीटर कैमरा। तो भाई, ये वाला जो कैमरा 4MP का, मॉडल नंबर देख लीजिए, मैं बोल भी देता हूँ और वीडियो में नहीं आ रहा है, DS2CD1T43G0-I 6mm, यानी कि 50 मीटर का इसका आयर है। ये हमने यहाँ पे 2 पीस दिया है। क्यों 2 पीस दिया है, एक मैंने जैसे आपको गेट के लिए, एक बैक साइड से मारेंगे ताकि इसका जो मेन पॉइंट है
हाइट भी अच्छा खासा है, तो आप जब पिक्चर क्वालिटी देखोगे लास्ट में आपको तब समझ में आया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब दूसरा बात ये सारा मैंने फिर 4 MP नहीं दिया, बजट भी देखना पड़ता है, रिक्वायरमेंट भी समझना पड़ता है। वही मैं कहता हूँ सोच समझ के आप ट्रस्ट कीजिए, आप जब मेरे को मैसेज करते हो तो मैं आपको वैसा एक सोल्यूशन क्रिएट करता हूँ आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आइए बाकी कैमरा देख लेते हैं। तो ये एसी का बॉक्स हुआ, बाकी कैमरा वाइज देख लीजिए DS2CD1023G0E-I एकदम नॉर्मल कैमरा है ये। 11 पीस हमने 2 MP का बुलेट 20 मीटर कैमरा दिया है, 2 पीस हमने 50 मीटर का 4 MP कैमरा दिया है, और 1 पीस हमने जो आपको कैमरा मैंने दिखाया था डोम कैमरा इंडोर के लिए DS2CD1323G0E-I 2.8 mm का लेंस का यूज़ किया। हमेशा याद रखें लेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2.8 mm से इनका पूरा जो ऑफिस एरिया है 90% से ज़्यादा कवर एक ही कैमरा से हो जाएगा, दो कैमरा काम नहीं है। अब चलिए अपना NVR की तरफ जाते हैं गाइस। ये अपना NVR है, मॉडलों में देख लीजिए DS7616NI-K1 16 चैनल का के सीरीज का 1/8 का NVR है, बहुत बढ़िया NVR है। मैं तो हमेशा के सीरीज को रखता हूँ, लेकिन बहुत बार क्या होता है क्लाइंट लोग को एस्टिमेट देते हैं क्यू सीरीज या डब्ल्यू सीरीज का, विच आई डोंट रिकमेंड। एंड यहाँ पे भी जो मेरा कंपटीशन है उन्होंने यहाँ पे क्यू सीरीज का NVR दिया था, पर जब मैंने क्लाइंट को समझाया कि सर आप लेने तो वो ले लीजिए लेकिन आपको डेफिनेटली इश्यूज आएंगे अगर आप एक के सीरीज का ऐसा एरिया में के सीरीज बढ़िया आपका बैटरी सपोर्ट करेगा तो आप बजट देखेंगे या क्वालिटी देखेंगे। तो क्लाइंट ने बोला ठीक है आपको जो ठीक लगता है आप कर दीजिए। तो इसलिए ऑलरेडी मतलब बजट ज़्यादा वाला नहीं, क्लाइंट ने मेरे को चूज किया, तो आपको इस दौरान ध्यान देना पड़ता है के सीरीज ही हमेशा आपको हिकविजन में जो है चूज करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस देखिए ये IPCOM का डिवाइस है, आप देख लीजिए मॉडल नंबर है IPCOM CPE3। इसके बारे में मैंने इन डेप्थ वीडियो अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट हुआ था 32 कैमरा का, वहाँ पर भी मैंने यही सेटअप जो यूज़ किया था तो उसको मैंने इन डेप्थ दिखा रखा है, जो कनेक्शन कैसे करना है। अगर आपने देखा नहीं वीडियो तो प्राइम बटन क्लिक करके देख लीजिए। वो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, इससे तो खैर 10 से 12 गुना बड़ा फैक्ट्री था वो, मैंने वो यूज़ किया था। उसमें मैंने इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दिखाया था, अब ज़रूर उसको देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 7 कैमरा को तो मैंने वायर के थ्रू कनेक्ट किया है, और मैंने क्या किया है यहाँ पे 2 रिसीवर लगा रखा हूँ इस ऑफिस के टेरेस पर, ठीक है 2 रिसीवर लगा रखा हूँ। एक रिसीवर जाएगा उस साइड में जहाँ पे अपना एक 3 कैमरा का सेटअप बैठा है, और एक रिसीवर जाएगा उसमें एंड में है जहाँ पे अपना 4 कैमरा का सेटअप बैठ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है करने का गाइस, कि हम लोग को वॉल टू वॉल अब आपको इनको दिखाऊंगा इतना डिस्टेंस हो जाता है, इतना डिस्टेंस में कैट 6 केबल को टानना नॉट पॉसिबल। सेकेंडली बहुत लोग क्या करते हैं OFC को यूज़ करते हैं, OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल। OFC में भी गाइस मैंने पहले भी कहा था आपको, आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको, पोल टू पोल खींच के कर देगा, लेकिन आपका मेंटेनेंस विल बी वेरी हाई। 2 रीज़न है, पहला तो OFC अगर टूट गया पूरा कनेक्शन आपका टूट गया, सेकेंडली आपका मीडिया कन्वर्टर मैंने पहले भी कहा आपको हमेशा बढ़िया ब्रांड का यूज़ कीजिए। आप चाहे अभी जो मार्केट में जो कंज्यूमर लेवल में चल रहा है कोई भी ब्रांड लीजिए, उसका एडेप्टर इतना जल्दी ख़राब होता है, आपको इश्यूज आते हैं उससे, तो सर्विस इज़ अ वेरी बिग इशू। एक बार यहाँ पे बिजली कट गई या वोल्टेज जब डाउन हुआ, अपना जो भी अपना यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर है 100% चांस है कि वो अपना ख़राब हो जाएगा। तो मैंने पहले वही समझाया कि आप मीडिया कन्वर्टर मत यूज़ कीजिए, OFC मत यूज़ कीजिए, हल्का सा बजट आपका ज़्यादा जाएगा अगर आप एक बढ़िया 500 मीटर वाला रेंज का P2P लोगे। तो क्लाइंट मान गया, एंड आपको ये दिखा रहा हूँ कि इनका ओवरहेड नहीं करना पड़ेगा, आपको बाद में दिखा दूंगा इसका इम्पोर्टेंस। अब आए गए और देख लेते, देखिए यहाँ पे गाइस ऐसे अपना कैमरा हम लोग लगा लेते हैं पहले, दिस इज सम लाइक यू कैन सी बिहाइंड द सीन स्टफ। कैमरा ऐसे लिखे हमेशा इस तरीके से, तीनों स्क्रू लगाया कीजिए। ये देखिए 5x5 का PVC बॉक्स है, अब पानी कहीं से भी इसके अंदर नहीं जाएगा, जाने से भी हम लोग जो वाटर प्रूफ है यहाँ पे वो डालते हैं जो हीटिंग के अंदर फ्री आते हैं। ये वाला जो चीज़ है उसको हम लोग लगाते हैं, और जो वाटर प्रूफ करने के लिए हिकविजन टेप देती है इस टेप को भी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। इससे क्या होता है कभी भी आपका जो पानी है नहीं घुसेगा। इसको मैं नीचे रख देता हूँ, और गाइस देखिए एक वायरलेस माउस हम लोग दे देते हैं, NVR को टच नहीं करना है, क्लाइंट आराम से यहाँ पे अपना ऑफिस चेयर लगा के बैठेगा,
माउस क्लिक करेगा, अपना मॉनिटर पर टीवी पर एक्सेस करेगा, बहुत नीट एंड क्लीन जैसे काम हो जाता है। और इधर दिखा दीजिए गाइस, हमेशा हम लोग क्या करते हैं साइट पे ना, कुछ बैकअप के लिए लेके आते हैं। जैसे कि ये रिमोट एरिया, मेरे ऑफिस से तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, ये हम लोग नेपाल बॉर्डर के आसपास है, यानी कि इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है उसके आसपास का एरिया है। यहाँ पे देखिए पेंडा का 4+2 का प्यू स्विच, ये भी बहुत बड़ा स्विच है। इसको हम लोग क्यों लेके आते हैं, एज अ बैकअप, कि अगर इतना दूर आया साइट में कुछ अगर लॉस हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, टूट गया, कुछ भी हो सकता है, बैकअप के लिए हमेशा आपको ध्यान रखेगा कि आपको लेके आइए। अगर आप एक इंस्टॉलर का वीडियो देख रहे हो, ये बात का जरूर ध्यान रखेगा। तो अब चलिए आपको भाग कर दिखा देता हूँ, समझाता हूँ डिस्टेंस का इंपॉर्टेंस कितना होता है। और गाइस देखिए, यहाँ पे जो है दो कैमरा हमने लगाया है, 20 मीटर का है ये दो कैमरा, देखिए क्रॉस में किया है, एक पूरा उधर कवर करेगा, एक जो है पूरा इधर का कवर करेगा। वहाँ से हमने लास्ट से 40 मीटर का एक दिया है, ताकि इनका ये जो एरिया है ये क्लैरिटी के साथ इनका आ जाए, वही क्लाइंट का जो मेन रिक्वायरमेंट था वही हमने यहाँ पे किया है। गाइस ये देखिए, यहाँ पे भी एक 20 मीटर का दिया है, देखिए 5x5 का PVC बॉक्स दिया है, Cat6 का वायरिंग देखिए कैसे हुआ है, और ये पूरा कवर करेगा इनका जो ये एरिया है, आगे का जो एरिया है, जैसे बकरी वगैरह झंडा जहाँ तक है, ये एरिया पूरा इससे इनका कवर। इनका रिक्वायरमेंट था कि ये जो पूरा ओपन एरिया है ये अच्छे से कवर होना चाहिए। तो हमने वहाँ से एक कैमरा जो दिखाया है मैंने, वहाँ से क्रॉस में यहाँ पे मारा है, यहाँ पे एक दिया है, देखिए यहाँ पे अपना ऑफिस है, वो अपना मॉनिटर लगा हुआ है, देखिए सनी भैया हाई बोलते सनी भैया को। एंड यहाँ पे देखिए गाइस, आपको मैं कहता हूँ हाइब्रिड सॉल्यूशन इसलिए बोलता हूँ, ये देखिए ये 20 मीटर का है और ये है 4 MP का 40 मीटर का, सॉरी 50 मीटर का। इसका क्या एडवांटेज हुआ, देखिए कैमरा यहाँ पे है लेकिन मेन गेट यहाँ पे, आप चाहते 2 MP का 20 मीटर दे सकते थे, लेकिन आपको जब मैं क्वालिटी दिखाऊँ तब समझ में आएगा कि ये दिया हुआ फ़ायदा क्या है। क्लाइंट का पूरा ये जो गेट में मान लीजिए यहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पूरा बढ़िया से उसको नंबर प्लेट भी दिखाई देगा, पहचान भी पाएगा, 4 MP है तो क्वालिटी भी बढ़िया रहेगा। ये देखिए वहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर गेट है, और गाइज वो देखिए वहाँ पर एक और कैमरा है, मैं दिखा देता हूँ। हमने इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ पर इनका जो बैक साइड है साइड वो कवर, देखिए गाइस कैमरा का वायरिंग देखिए, हमेशा नीचे से घुसाना है आपको वायर को, ऊपर से नहीं घुसाना है, पानी घुसने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। हिकविजन का जो वाटरप्रूफ जैक होता है वो तो हमने हर जगह यूज़ किया ही है, कैसे भी वायरिंग कीजिए, देखिए PVC बॉक्स दीजिए, कैमरा लगाइए, एकदम नीट एंड क्लीन। मैं जूम भी करके देखे दिखा रहा आपको, इतना नीट एंड क्लीन काम हुआ है, पानी कभी से पानी नहीं घुस पाएगा, इससे इनका जो पूरा एरिया है वो हुआ है। आपको वायर का भी दिखा देता हूँ, देखिए गाइस कितना नीटली अपना वायरिंग हुआ है, डिजिसॉल का प्योर कॉपर केबल यूज़ किया गया है, एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ पे काम हुआ है, ये गए आपके उस पोल तक। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या किया है, ऑफिस के पास में यानी कि दो उस तरफ, एक बैक साइड एक ऑफिस के अंदर, दो गेट के तरफ और एक पीछे, टोटल 7 कैमराज मैंने यहाँ पे जो दिया है वो मैंने वायर के थ्रू दिया है, यानी कि ये अपना ऑफिस है, ये अपना ऑफिस के पास में जो है, इसको मैंने 7 कैमराज को वायर के थ्रू दिया है। 8 पोर्ट का हिकविजन का प्यू स्विच लगाया है, 7 कैमराज आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब आइए, अब इनका क्या था, 3 कैमरा एक लोकेशन में था, 4 कैमरा दूसरा लोकेशन में था, वो दोनों लोकेशन का क्रॉसिंग हो रहा है, यानी कि एक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है और क्रॉसिंग हो रहा है। यहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि क्रॉसिंग नहीं करना है क्लाइंट को, गाइज ये देखिए यहाँ पे अपना दो कैमरा देख लीजिए, एक वही सेम जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, 4 MP का 50 मीटर कैमरा है यहाँ पे दिया है, यहाँ से इनका ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एकदम बहुत क्लियरिटी के साथ आएगा। और जो एक और कैमरा दिया है ये 20 मीटर का है, 2 MP 2 MP का, इससे इनका जो अंदर का जो एरिया है ये टोटल एरिया जो है इनका कवर होगा। आपको दिखाता हूँ मैं प्रॉपर क्लीनिंग किया हुआ कैमरा क्या फायदा है। देखिए गाइस सुमित इसको खोलेगा, ये है अपना वेलवू ब्रांड का आउटडोर POV बॉक्स, इसमें देखिए
अपना वेलक्रो स्ट्रैप दिया हुआ रहता है, इसमें हम लोग अपना जो पीओई स्विच है उसको यहाँ पे फिट कर देंगे। अपना जो ये पीटूपी का जो पीओई है, पीओई इंजेक्टर, इसको भी यहाँ पे रख देंगे, रख के इसको बंद कर देंगे। तो ये वाटरप्रूफ भी हो गया, लॉक भी हो गया, कोई यहाँ पर स्टाफ मजदूर को इसमें छेड़ेगा भी नहीं। और देखिए वायरिंग जो इस तरीके से हुआ, आप देख सकते हैं प्योर कॉपर का है, डिजिसॉल ब्रांड का, आप देख लीजिए क्लोजअप में, डिजिसॉल का प्योर कॉपर केबल यूज हुआ है। ये वायर आके यहाँ पे एक पी ओ स्विच बैठेगा, वहाँ पे करंट होगा, एंड दो कैमरा अपना लग गया है इस साइड में, सुनिए इस पर आप लोग, और एक कैमरा जो है यहाँ पे लगेगा, आप देखिएगा। एक कैमरा जो है वो यहाँ पे लगेगा, तो क्रॉस में इनका पूरा दोनों एरिया जो है कवर हो जाएगा, टोटल एरिया कवरेज इनका दो कैमरे में आ जाएगा। और जो अपना पीटूपी डिवाइस बैठ रहा है वो देखिए फ्रंट में बैठ रहा है, वहाँ पे अपना पीटूपी डिवाइस जो है बैठ रहा है। तो देखिए ये तीन कैमरा का जो डेटा है, ये तीन कैमरा का डेटा उस पीटूपी के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा। और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था उसको इस शेड में भी एक कैमरा चाहिए था, इस शेड में, तो इस शेड का कैमरा या तो मेरा आदमी लोग यहाँ पे खींच देगा अगर यहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ, या तो उधर डाल देगा अगर उधर का डिस्टेंस कम हुआ। तो ये होता है आपका एक बढ़िया प्लानिंग किया हुआ। तो सुमित क्या कलर कोडिंग, पहले ऑरेंज वाइट, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन वाइट, फिर ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, फिर लास्ट में ब्राउन। चलो गुड, कहाँ से सीखा? सर ये आपसे सीखा है। तुमको मैंने सिखाया, अब मैं खुद भूल जाता हूँ। करो करो अच्छे से करो। कितना साल हो गया तुमको काम करते हुए? 4 साल हो गए सर। अब तो अच्छा काम करने लगे तुम, शुरू में तुमको कुछ करना नहीं आता था जी, अब करते करते तो बाप रे, आईपी हो, वायरलेस हो, कुछ भी हो, हाँ पूरा एक्सपर्ट। यहाँ पे टेप क्यों लगा रखा है? पीटूपी का वायर तो इसलिए। अच्छा, इसको मार्किंग कर देगा टेप लगा के, कंडीशन हो बोल के। चलो गुड, इसमें आफ्टर सेल सर्विस में भी इजी होगा फिर जी सर। गुड गुड गुड, देखो वाह, वेरी गुड। तब देख सकते हैं इस तरीके से एक क्लैंपिंग, एक आरजे फटे लगा है ऐसे, यहाँ पे सारा आरजे फटे लग जाएगा, लगने के बाद अपना पीओई में कनेक्शन होगा, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये लीजिए पीओई स्विच, है वो टेम्परेचर चालू कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ सब कुछ। ये तीन कैमरा का वायर कंप्लीट हुआ ना, ये वो दिखाया था कैमरा में कहाँ पे डाले हैं, ठीक है, और एक लिंक का तार छोड़ा हुआ है। हाँ ठीक, पी टू पर ऊपर है। ओहो सुमित, एक छोटा सा ये लैन केबल बनाना पड़ेगा, ऑफिस में रखा हुआ है, पीओई का हाथ में ले। हाँ, पीओई का जो लिंक का तार है, ये लिंक का तार में एक पैच केबल डाल। गुड, ये एक तो क्यों नहीं जला रहे, ये तीनों तो अपना कैमरा का है ना? नहीं नहीं, इसका वो नहीं जल रहा है, तो पीओई नहीं जल रहा है, तो क्यों ओवन में डाल दो। ना वो लिंक आया ना, था कौन सा कैमरा है, एक दो तीन, ठीक है देखते हैं। अब ये जो ला रहे तुम, इसको तुम इसमें डालो, इसका पीओ इंजेक्टर जो है इसका लाइन में डालो, इसको लाइन में। हाँ, तो इससे क्या होगा, अपना जो डेटा है वो समझा तुम। अब डेटा क्या हुआ, पीओई से आया, इसमें गया लाइन में, इसको यहाँ पे पीओई मिल गया, मतलब अपने वो ऑन हो चुका एक्सेस पॉइंट,
एक्सेस पॉइंट ऑन हो गया तब हम लोग का अभी पूरा चालू हो गया, अभी हम लोग को वहाँ पे ऑन करना है बस। तो गाइस देखिए इस तरीके से यूक्लिप बोलते हैं इसको, 6 mm का यूक्लिप, इसको यूज़ करके हम लोग वायरिंग करते हैं। तो आप देखिए सुमित भैया कब कितना साल से कर रहे हैं आप? मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस। वाह, तो कैसा लगा P2P का काम करके? ये सेकंड टाइम है आपका बड़ा प्रोजेक्ट में काम किया था। वो तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, वो तो सक्सेस हो गया। अभी जो ऑप्टिकल फाइबर से करने के टाइम जो प्रॉब्लम होता है या आपका मीडिया कन्वर्टर कभी कभी हैंग हो जाता है, इसमें वो झमेला नहीं है एकदम। मतलब एक बार इंस्टॉल कर दिया तो कस्टमर केबल का भी खर्चा बच जाता है और डिस्टेंस आप 200 मीटर 300 या 500 मीटर कितना मीटर भी हो वो केबल खींचने का झमेला नहीं होता है। बस फ्यूज स्विच से अगर कैमरा तक आपका कनेक्ट होने से बस ये अच्छा चलता है। देखिए गाइस सबसे पहले अपना पीवीसी बॉक्स देखिए इस तरीके से लगाते हैं। एकदम नीट क्लीन लॉन्ग लास्टिंग काम हो जाता है अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो। देखिए ऐसा केबल टाई जो हम लोग यूज़ करते हैं इसको फिक्स करने के लिए, केबल टाई में भी देखिएगा इस क्वालिटी आती है, पीवीसी बॉक्स में क्वालिटी आती है, RJ45 में क्वालिटी आती है, केबल में क्वालिटी आती है। तो आप लोग इन सब चीज़ का ध्यान रखिए, इसलिए मैं कहता हूँ ट्रस्टेड वेंडर से लीजिए, ऑथराइज डीलर से लीजिए। अगर आप मेरे से परचेस करते हैं तो आपको 100% जेन्युइन आइटम मिलता है। अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए इस टाइप में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को, डिस्क्रिप्शन में लिंक और स्क्रीन के आगे देखें आप मेरा वो आ रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर आ रखे हैं, आप आराम से मैसेज करके देखिए। सनी भैया कौन सा कैमरा दिखाइए? DS2CD1023G0EI 4mm का। क्या लगता है इससे पूरा कवर हो जाएगा ये पूरा एरिया? सीधा कर दीजिए ना ऊपर। देखिए इस कैमरा लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि कैमरा को आप ऐसा पीवीसी बॉक्स पे प्लेस कीजिए, पानी घुसने का कोई मौका मत दीजिए। और आउटडोर का देखिए अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे प्रॉपर जो इंस्टॉलेशन है करना चाहिए। हल्का सा और अब ठीक, हल्का डाउन, हाँ बस ठीक है, परफेक्ट है। हाँ ठीक है परफेक्ट है। एक्सेस पॉइंट है, ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, क्लाइंट जो है ब्लिंक कर रहा है। इसके पीछे मैंने AP2 लिख दिया है, इसके पीछे मैंने क्लाइंट 2 लिख दिया है, ठीक है। अब ये दोनों मैंने पेयर कर दिए है, अब दोनों का मैं आपको रियल लाइफ सिस्टम में भी दिखा देता हूँ सिग्नल स्टेटस कैसा होता है। ऐसे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है गाइस, ये देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ 0 आ रहा है अभी, मतलब 0 dBm, यानी कि 0 distance। मैंने बगल में रखा है इसको एंड अब देखिए इसको, मतलब इस तरीके से हम लोग को अरेंज करना होता है, नंबरिंग करना पड़ता है,
इसका चैनल चूज़ करना पड़ता है। वो चैनल सब चूज़ करने के बाद हम लोग ए पी टू जो है मेरा, जैसे ये जो एक जोड़ी हुआ इसको मैंने चैनल टू में रखा है, ये जो दूसरा जोड़ी है मेरा ए पी वन क्लाइंट वन, इसको मैंने अलग चैनल में रखा है ताकि दोनों का फ्रिक्वेंसी मैच ना हो। एक अपना भी कंप्लीट हो गया है तो अपना एक्सेस पॉइंट जो ऊपर लग जाएगा, क्लाइंट साइड जो है मेरा कैमरा के वहाँ लग जाएगा। तो आइए मैं आपको कैमरा के वहाँ पर लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि कैसे अपना ये इंस्टॉल होगा। तो गाइज़ ये देखिए, ये अपना क्लाइंट टू मैंने अभी जो सेटअप किया था वो है, एंड ये अपना डिवाइस है, आप देख लीजिए पीछे मैंने लिख दिया सी एल टू, उसको देखते हैं हाई कर दीजिए। टेक्नीशियन आपने देखे इनके और भी प्रोजेक्ट्स मेरे को, इन्होंने इतना सीसीटीवी का इनको इतना प्यार है, इन्होंने अपना हाथ में भी टैटू करवा रखा है जिसमें इन्होंने सीसीटीवी का सिंबल बनाया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप देखिए मैं अभी यहाँ पे अपना ये अपना क्लाइंट टू हुआ, क्लाइंट वन गाइज़, अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं ये जो है डिवाइस, देखिए वहाँ पे जो भैया काम कर रहे हैं वहाँ से जो कैट सिक्स निकलेगा गाइज वो इसमें आएगा, इसमें आके इसका जो ये पीओई लिखा हुआ है इसमें कनेक्ट होगा, ये जो लैन लिखा हुआ है लैन से निकल के अपना जो पीओई स्विच है उसमें जाएगा। तो मैंने इन डेप्थ के बारे में दिखा रखा है ऑलरेडी, आपने ऑलरेडी वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन क्लिक कर देख लीजिए, तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप खैर सबको समझाया है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए डिस्टेंस देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक कितना ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है। आप काउंट करेंगे कितना ज़्यादा इसको जो है पोल टू पोल वायरिंग करना पड़ता, क्लाइंट का तार का खर्चा लगता, फिटिंग में दो के जगह छः दिन लग जाता, क्रॉसिंग करना पड़ता, वहाँ से वायर यहाँ पर लाना पड़ता, वॉल टू वॉल लाना पड़ता, कितना दिक्कत था सोचिए। एक अपना जो वो है पी टू पी डिवाइस यहाँ बैठा है, देखो इस तरीके से लग रहा है, एक जो है यहाँ पे बैठे हैं गाइस, गाइस एक जो अपना एक देखे एक जैसे कैमरा यहाँ पे बैठेगा क्लाइंट को ये पूरा एरिया जो है कवर करेगा, एक कैमरा यहाँ बैठेगा और एक जो डिवाइस है गाइस वो यहाँ पे बैठेगा। अब देखिए यहाँ से क्रॉसिंग होना है वहाँ पे, तो आप देखिए ये जो डिस्टेंस है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि जेसीबी चलेगा यहाँ पे, ट्रक्स वगैरह आएगा, तो अंडरग्राउंड भी नहीं करना है क्लाइंट को और ऊपर से भी नहीं लेके जाना है। तो मैंने क्लाइंट को बताया कि सर आप इतना तार को घुमा के लेके जाएंगे क्योंकि फ्रंट में भी इनका गेट आता है, गेट में तो तार नहीं क्रॉस कर पाएंगे, बहुत कैट सिक्स लग जाएगा, इनफैक्ट कैट सिक्स शायद होगा भी नहीं, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करना पड़ेगा, उसमें भी आपको बहुत हैवी ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर कोर का सिक्स कोर का आपको देना पड़ेगा। मीडिया कन्वर्टर आप अच्छा ब्रांड का यूज़ करेंगे तो अच्छा बात है, वरना इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आप बोलिए यहाँ पे एक अपना डिवाइस बैठेगा जैसे वहाँ पे बैठ रहा है, और ये अपना क्लाइंट टू होगा, इसका ए पी टू जो है वहाँ पे बैठेगा। तो आपको मैं इसके बाद वो भी जो है दिखा देता हूँ।
तो गाइस देखिए हम कैमरा का आउटपुट देखते हैं। एक्चुअली मेरा जो टेक्नीशियन था उसने अपने फ़ोन से जो है शूट करके दिया था। ये देखिए 4MP का जो घेटा कैमरा था वो था, ये देखिए अंदर में जो 2MP का लगाया था उसका क्वालिटी है। फील्ड ऑफ व्यू आप देखिए, कैमरा क्वालिटी देखिए, ऑल दो ये फ़ोन से रिकॉर्डिंग है लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर ये मतलब मैं आपको अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं आपको इसका कंप्यूटर में लेके दिखा देता, बट उसका टाइम नहीं मिला था हम लोग को उस दिन में वहाँ पर। आप ओवरऑल देख सकते हैं कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू, देखिए 4mm का लेंस है लेकिन आप देखिए पूरा का पूरा उनका कवरेज जो, ये देखिए डोम कैमरा जो मैंने कहा था 2.8mm का पूरा इनका एक कैमरा से कवर हो रहा है। ये गाइस वो पीछे वाला कैमरा है जो मैंने IPCOM से कनेक्ट किया, देखिए ये एक कैमरा है एक साइड का, अब दूसरे साइड का भी कैमरा है। ये देखिए गाइस, ये जो शेड का कैमरा था याद है मैंने कहा था जब मैं रात में इंस्टॉल कर रहा था, ये वो वाला है, ये वो फर्स्ट कैमरा था, वो सेकेंड, ये देखिए थर्ड कैमरा, ये थर्ड है और एक और कैमरा आएगा। ये चार कैमरा जो है एक डिवाइस से, देखिए गाइस ये वाला एक कैमरा है जो मैंने पोल में लगाया था, आपको समझ में आया जब मैंने दो कैमरा जो दिखाया था आपको उसमें से एक कैमरा है ये, ये देखिए ये दूसरा कैमरा है। तो क्लाइंट का अभी तो एक खाली मैदान है, बाद में जब यहाँ पे इनका फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगा तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि देखिए जब क्लैरिटी से इनका सब कुछ जो है व्यू होगा। ये दूसरा साइड का जो P2P का था उसमें तीन कैमरा लगाया था, उसमें से एक कैमरा गाइज ये वाला है सेम 2 मेगापिक्सल का, जब 20 मीटर का कैमरा है वो, ये वाला है गाइज जो मैंने 4MP का लगाया था, जो मैंने कहा था चार पीस कैमरा, ये वो वाला कैमरा है। और ये वाला गाइस जो जो सेम आपका, देखिए मैंने कहा था ओवर क्रॉसिंग नहीं करना पड़ेगा, जो तीन कैमरा P2P से गया है ये वो वाला है, वन था ये टू है और लास्ट मैंने 3 दिखाया था आपको, ठीक है। तो ये आपने देखा कैमरा का आउटपुट। तो गाइस अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो ना अगर, तो प्लीज़ यार वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। गाइस देखिए सुबह से रात हो गया है लेकिन आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर मेरा कोई काम नहीं था, मैं केवल गया वहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपना टाइम निकाल के शूट कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि आपका, आप जो मेरे यूट्यूब ऑडियंस हो, आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना ऑर्डर्स देते हो मेरे को, तो आप लोग कहते हो साइट का वीडियो दिखाइए, P2P का वीडियो दिखाइए। तो ऑलरेडी एक वीडियो निकल गया था, एक और वीडियो का इसमें दरकार नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए अलग अलग लोकेशंस में कैसा डिमांड रहता है, क्यों हम लोग कब और क्यों कैसे किसी को चूज़ करते हैं, इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमारा एफर्ट्स कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएगा गाइस। एंड अगले वीडियो तक मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस।